वेलकम बैक मित्रों। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ना एंड तक देखना क्योंकि एक बहुत ही तगड़ी चीज है, लाइक लिटरली यू गाइस आर गोना लव इट। ठीक है, सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉकबस्टर बाय रजनीकांत, जहां वो अपने बाप से 3 साल, माँ से 9 साल, मामा से 11 साल और बीवी से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मोरी मैया 32 साल। क्यों हिला डाला ना? Why the fuck did I even check this out, dude? Video start होते ही depressing हो गया है तो fuck it। जहाँ पे रजनी बाबा इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अमेरिका से पढ़ के आया है और देश बदलना चाहता है विद द बजट ऑफ 200 करोड़। अरे ठीक है, कितनी बार बताएगा भाई, लेकिन 200 करोड़ इससे ज्यादा तो इंडिया में ही इंजीनियर्स कमा लेते हैं यार। बट देन वी हैव एन इविल बिजनेसमैन हु आल्सो हैज 200 करोड़ का ब्लैक मनी। आई स्वेयर दिस मूवी इज सो ऑब्सेस्ड विद 200 करोड़ डूड कि 200 करोड़ में दिस मूवी हैज विजन। शिवाजी यूनिवर्सिटी शुरू करके सबको मुफ्त शिक्षा देना चाहता हूँ। शिवाजी हॉस्पिटल शुरू करके सबको मुफ्त में ट्रीटमेंट दिलवाऊंगा। लव मंगला किधर ला उधर ला सुपर ला डेस्पिरेशन विद्या भारती के हाथ से तो मैं जहर भी हंसकर खा लूंगा। रिजेक्शन हम दोनों में कोई मेल दिखता है? ए, काला किसको बोल रही है रे? डिफरेंट वे शेप एंड फॉर्म ऑफ एक्शन। Is this India? Yes, modern India. And the best part of all, music videos. छोटी 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 हो चुकी बूंदें, मीठा 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 घी का हलवा। जीवा जीवा जी, मेरा जीवन है शिवाजी। रति ती ती, चक चोती चोती चोती। Give me one touch, yeah. Give me two touch, yeah. Oh, भाई साहब. Oh boy. Oh boy. भाई इस मूवी में ना अलग दुनिया चल रहा है एंड एट द सेम टाइम म्यूजिक वीडियोस में अपनी अलग दुनिया चल रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट आई डू अंडरस्टैंड इज गो मैकेनिक की कार सर्विस, क्योंकि दीज गाइज हैव ओवर 1000 वर्कशॉप्स विद हाईली स्किल्ड मैकेनिक्स जो काफी कुछ ऑफर करते हैं, लाइक पीरियडिक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील केयर, कार केयर, डिटेलिंग, कार एसी सर्विस एंड द बेस्ट पार्ट गो मैकेनिक एक्सटेंडेड वारंटी। इसमें होगा ये कि तुम्हारे मैन्युफैक्चरर की वारंटी खत्म होने के बाद भी गो मैकेनिक तुम्हें वारंटी प्रोवाइड करेगा इवन इफ यू हैव अ सेकंड हैंड कार। इनफैक्ट पूरे कार को इंश्योर कराने की जगह सिर्फ कुछ पार्ट्स का भी करा सकते हो जिनके खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लाइक सस्पेंशन, engine and brakes, that too without any hidden charges. Apart from that, they have their annual maintenance membership, 1 month or 1000 kilometer ka unconditional warranty, and on top of that these guys do in-house spare part procurement jisse ye parts saste bhi milte hain and eventually customer ka bill bhi kam hota hai, bole to direct benefit। एंड कार सर्विस अवेल करने के लिए सिंपल सा काम करना है, ऐप में जाके अपनी कार सेलेक्ट करो, अपनी सर्विस सेलेक्ट करो, टाइम स्लॉट सेलेक्ट करो एंड बस खेल खत्म। इनके पास और भी काफी सारे ऑफर्स एंड सर्विसेज हैं विच आई थिंक यू गाइस शुड चेक आउट, तो लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, जाओ और जाके चेक करो गो मैकेनिक। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद रजनीकांत ए के शिवाजी विदाउट द एच, हु इज US रिटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कहीं ऑडियंस ये भूल ना जाए इसलिए इसकी टैग लाइन है कूल 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 कूल। And to make it better, he cracks good jokes. माँ के भाई को मामा नहीं तो क्या मौसा कहूँगा? Seriously now, you find it funny? हाँ, really? मतलब ठीक है, 200 करोड़ जिसके पास होंगे उसके जोक्स पे तो हंसना भी पड़ेगा ना। बिकॉज शिवाजी सो रिच दैट ही बॉट अ हाउस इन अ प्राइम लोकेशन ब्लू बैकड्रॉप के कतई सामने। And he has some plans which are like fantasy for normal people. सबको मुफ्त शिक्षा देना चाहता हूँ। Okay, मतलब have a kid, send it to Shivaji University and wait for 24 odd years and boom, your kid is a doctor now. यही नहीं, अभी और सुनिए। इसे फ्री हॉस्पिटल भी बनाने हैं। लेकिन इतना सब फेक लिया है तो अब पार्टी होगी। लेकिन ये आदमी पार्टी भी ढंग से नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसको भी अमेरिका जाके पता चला कि ये इंडिया से कितना प्यार करता है। So, hey, Biju, change the music, यार। सूरज है, चंदा है, ये कौन है, ये छत से बोलो। भाई ये क्या है ये? भाई जो दिस प्यार विल टेल यू व्हाई साउथ इंडियन सॉन्ग शुड नॉट बी ट्रांसलेटेड। पुष्पा गलती से एक अच्छी निकल गई वरना इन्होंने तो लिरिक्स की माँ बहन भाई बाप सब एक कर रखा है। बट एनीवे, तो नाचने गाने के बाद शिवाजी अपने धंधे शुरू करने के लिए तैयार है और वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करेगा आदि सेशन, बट मैं बोलते बोलते कहीं हकला ना जाऊं इसलिए आदि से हेल्प मांगने से, जिसके पहले से ही कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैं, तो ही हैज ऑल द रीजंस टू डिनाई दिस ऑफर एंड ही हैज इवन बेटर प्लान्स फॉर हिम। लेकिन शिवाजी मूवी का हीरो है तो अपने 200 करोड़ से देश सिर्फ यही बदल सकता है। तो अब शिवाजी मिलने जाएगा चीफ सेक्रेटरी से, हु इज इम्प्रेस्ड एंड वो शिवाजी को अपने पीएसी मीटिंग करने बोलेगा। तो एक फ्री यूनिवर्सिटी और एक फ्री हॉस्पिटल बनाने के बारे में मीटिंग करने के लिए बेस्ट प्लेस क्या हो सकती है? ऑप्शन ए, वहीं के वहीं।
ऑप्शन बी किसी का घर, ऑप्शन सी पीए का ऑफिस, या फिर ऑप्शन डी स्टारबक्स। अब गेस तो करो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, एक बार। एग्जैक्टली, बगल में यहाँ पे लौंडा नाच भी हो रहा हो सकता है, यू नेवर नो। तो यहाँ पे पीए उसको सारी बातें सही तरीके से समझाता है, बट सिंस मैं पढ़ा लिखा हूँ, सो ही विल बिहेव अकॉर्डिंगली। अरे ये फ्रॉड है मामा, इसके जैसे बहुत देखे मैंने। ए बॉटल नीचे रख। अबे जा बे गंजे। अरे भाई उसका जो प्रोसेस उसने बताया तेरे को समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा तो मना कर देना आराम से, उसको चार गाली देने की क्या जरूरत थी। तो चपरासी से लेके पियून तक, सफाई वाले से लेके डीन तक, सबको डॉक्यूमेंट्स दिखा के सिर्फ कमियां निकलवाने के बाद ये जाके देगा पीए को घूस। सीधे रास्ते से ही सारी परमिशन लेकर आऊंगा, किसी को 10 पैसा नहीं दूंगा, किसी को 10 पैसा नहीं दूंगा। एंड इन सारे छोटे छोटे सपनों के अलावा शिवाजी का एक और बड़ा सपना भी है, एंड दैट इज शादी। एंड इंडिया में शादी तो बिना क्रीपी बने हो ही नहीं सकती, तो मामा के पास आया परफेक्ट आइडिया। मंदिर मंदिर ढूंढेंगे, कोई पसंद आ जाए तो बता देना, बात पक्की कर देंगे। मैंने कहा यार लाखों में एक की तो बात सुनी है, लेकिन ये 20-25 में एक का क्या सवाल है। एंड सिंस मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो लड़की को स्टॉक करके पढ़े लिखों की तरह ये रिश्ता लेके जाएगा लड़की के घर, नकली गवर्नमेंट ऑफिसर बनके, जहाँ उससे ज्यादा एक्साइटेड उसका मामा है। आपके घर में जो आइटम है उससे बुलाइए। 21 साल साइज, आराम से आइए, तब तक हम इन्हें पटाते हैं। भाई सीधी बात है, इतिहास गवाह है, मामाओं की संगत विनाश का कारण बनती है पीरियड, और नकली गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के जुर्म में इनको लॉकअप में डाल देते हैं। एंड आई नो कि तुम लोगों का जीके अच्छा नहीं है, बट मेरे पास गूगल है जो मैं कामोद्दीपक लेख के अलावा भी यूज करता हूँ, इसलिए आई नो कि ये बकचोदी धारा 170 के तहत आती है, विच हैपेंस टू बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। लेकिन शिवाजी के बाप को लौड़ा फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसको लॉयर की भी जरूरत नहीं है भाई, ही नोज हाउ टू हैंडल दिस। ये कौन है मालूम है? ये कंप्यूटर इंजीनियर है। देख रहे हो कितना आसान है। एंड वंस अगेन सिंस मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए रिश्ते की बात वहीं थाने में बैठ के करेंगे, बकायदा कांस्टेबल को भगा के, और मामा अलग ट्रिप में। हेलो स्टेशन के लोग, आउट ऑफ स्टेशन, ओवर। हाँ रिमेम्बर, ये देश बदलने आए हैं, ओके, एंड आउट ऑफ नोवेयर इसका सवाल, माँ मुझे काला क्यों बनाया। ये राइट, और इनको देश के लिए कुछ करना है। भाई रहने दो तुम, प्लीज नहीं रहने दो ना, क्यों कोशिश ही क्यों कर रहे हो। लेकिन ये क्रीपीनेस और घातक लॉजिक शिवाजी को विरासत में मिली है। बेटी बच्चा हुआ तो उसे अपना दूध पिलाओगी ना। तुम सब पागल हो क्या, या हम लोगों को पागल समझ रखा है। Meanwhile, आदि is playing with an easy difficulty level, मतलब ये सस्ते रंग बिरंगे गुंडे भेजेगा शिवाजी को मैसेज देने के लिए कि यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल वाली बकचोदी बंद कर दे। But since शिवाजी was here to impress his girl, so he finds a way to impress her. और भाई च्युइंगम खाते रजनी से और केटीएम पे बैठे गजनी से आज तक कौन जीत पाया है, तो लो फिर। चच्चा का धोती में गाजर है भाई, जे तू खाएगा मजा आएगा, फिर चच्चा ही चच्चा तू गाएगा। कूल। एंड पूरे फाइट में इसके मामा ने एक को भी एक थप्पड़ तक नहीं मारा, इसको सिर्फ लड़कियों के बारे में कमेंट्स पास करने के लिए रखा है यहाँ पे, सीरियसली। और भाई लाइफ में तुम किसी की दुकान में ऐसे लड़ाई करके आ जाना बस। भाई विलेन से पहले उसने नहीं मार दिया तुमको तो मेरा नाम बदल देना तुम। बट इन रियलिटी दिस गाय इज मोर डेस्परेट दैन क्रीपी, क्योंकि भाई 5 मिनट में अकेले बात तक नहीं हुई है दोनों की अभी तक, बट इसको इतना प्यार हो गया इससे कि वो अब एक पूरी प्लेट मिर्चे खा जाएगा जस्ट टू इम्प्रेस हर। मतलब पिछवाड़े की चिंता ही नहीं है कोई, साले 2 हफ्ते तक आग हगेगा आग। लेकिन नहीं, अब ये इनको अपने घर पे बुला के अपना कलेक्शन दिखाएगा। शादी के बाद ये कमरा हमारा होगा, ये बाहर जाते वक्त पहनने के लिए, ये घर में पहनने के लिए, ये तुम्हारे गहने और सेवक। फिर बस भाई बस बस, वो लौंडे नहीं होते जो लड़की देखते बच्चों के नाम सोचने लग जाते हैं, ये उन सरफेरे चूतियों का राजा है। एंड आई रियली डोंट नो ये इम्प्रेस किससे हुई, इसकी क्रीपीनेस से, डेस्परेशन से, या फिर जो कलेक्शन इसने दिखाया अभी उससे, बट जो भी है दीदी का सेट है। एंड देन अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट म्यूजिक वीडियो। लेकिन लाइफ कैन नॉट बी दैट सिंपल ना, तो आदि जाके मंत्री जी के टट्टों पे स्ट्रेन डालता है, तो वो जाके शिवाजी से 50 करोड़ की डिमांड करेंगे वरना बिल्डिंग्स गिरा दी जाएंगी। एंड शिवाजी, किसी को 10 पैसा नहीं दूंगा। अब चल अपना घर मकान विद्या भारती के कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी सब गिरवी रख के 50 करोड़ की घुस दे देगा। और विद्या भारती को ये फाइनेंशियली स्टूपिड डिसीजन पसंद नहीं आया, तो ये बोली शादी के लिए कुछ बातों का मिलना बहुत जरूरी है, हम दोनों में कोई मेल दिखता है। ए मामा इंडिया बहुत आगे निकल गया। तो दुनिया भर के सारे स्कैम ट्राई करके नहा धो के ये हो जाता है गोरा। तो अब दीदी बोली सच कहूं तो मुझे आपका काला रंग ही पसंद है। रे इसकी माँ का मूड स्विंग। तो अब दीदी एक अलग कहानी सुनाएंगी कि किसी ज्योतिषी बाबा ने बताया कि कन्या के कारण वर पे संकट आ सकता है, वर के प्राण को खतरा है। लेकिन सिंस मैं पढ़ा लिखा हूं, तो एंगेजमेंट डन।
एंड हियर इज आदि हु इज अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ भ्रष्टाचार एंड रिश्वतखोरी. सो वो मंत्री को समझाएगा, बट सिंस मंत्री जी इज हाई ऑन 50 करोड़ की घूस, तो अगर किसी के सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हो तो रोक लगा पाना नामुमकिन हो जाता है आदि. एंड सिंस इस मूवी में कोई भी कुछ भी कर रहा है तो आदि भी इस बात का फायदा उठाएगा और सीधा सरकार ही बदल देगा भाई. Yeah, that sounds practical, right? सरकार ही तो है, कौन सा नियत है जो बदलना मुश्किल होगा है? एंड न्यू मंत्री विल ऑर्डर टू बुलडोज शिवाजी बिल्डिंग, क्योंकि उसको भी चाहिए ना 50 करोड़. मुफ्त में बढ़ रहा है, ले लो, अरे ले लो. एंड शिवाजी भी लाइक, एक पैसा नहीं दूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा. अब है ये तो ट्यूबलाइट है भाई, मतलब कोर्ट जाने का आइडिया भी तब आया जब आधी जनता में धन बांट दिया ऑलरेडी और जब पैसे ही नहीं बचे किसी को देने के लिए. तो एडवोकेट को फीस में अपनी कार दे के भी किसी को एक पैसा भी ना देने की आग में केस हार गया. लेकिन आदि दिल का बहुत अच्छा है क्योंकि थक हार के फाइनली वो उसको डोनेशन दे देता है भीख के नाम पे. बस यही तो नहीं करना था भाई, तेरा खत्म है, कुछ नहीं तेरा खत्म है. तो अब लोन ना चुकाने की वजह से शिवाजी का घर बिक जाएगा जिसकी वैल्यूएशन में. सर आपकी रोलेक्स घड़ी भी हमारी लिस्ट में शामिल है. अरे तो कैल्विन क्लाइन की अंडरवेयर और जॉन रेनो की विग भी ले जाओ, वो भी होगी लिस्ट में, वो भी होगी. तो अब बैंक्रप्सी से निकलने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा. तो दिमाग लगा के शिवाजी टॉस करके डिसाइड करेगा कि कैसे सर्वाइव करना है एफर्टलेसली विग बदल के. तो सर्वाइवल की शुरुआत होती है फेक कॉल और ब्लैकमेल से. सर कल सवेरे आपके घर बारात आने वाली है, हमारे डिपार्टमेंट की भाषा में रेड सर. एंड आदि बेचारा सीधा साधा आदमी है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को खाद बता के भेज देता है अपने बंदे के साथ अपने फार्म हाउस में, जहाँ पे शिवाजी मारपीट करके सब कुछ चुरा लेगा और अगले दिन बकायदा कॉल करके इन्फॉर्म भी करेगा. फार्म हाउस में तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स गायब. बताओ इतना बड़ा आदमी है, चोरी हो गई और किसी ने इसको खबर तक नहीं करी भाई, कैसे आदमी पाल रखे हैं इसने. बड़े निवे तो शिवाजी बाबा बोले, सब मिलाकर 200 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है ना तुम्हारे पास. अबे इतना सब मिला के अभी तक इसके पास सिर्फ 200 करोड़ ही हुए हैं. और एक मिनट, इसके खुद के कॉलेजेस हैं जिसमें ये 8 से 30 लाख रुपए तक की सीट्स बेचता है, हॉस्पिटल भी है, रियल एस्टेट का भी काम करता है. एक दिन में सरकार बदल देता है भाई, मंत्री इसके आगे पीछे घूमते हैं और इसके पास बस 200 करोड़ ब्लैक मनी है. अबे इससे ज्यादा ब्लैक मनी तो ठेकेदारों के पास होता है यहाँ पे, लेकिन क्या कर सकते हैं. तो 100 करोड़ निकाल के रखना, उसे कहाँ और कैसे लाना है मैं फोन पे बता दूंगा. और 100 करोड़ में डील डन, कितना आसान है ना ये सब. लेकिन आदि इतना आसानी से थोड़ी होने देगा. तो इसने बुलाया अपने पंटर जो कि चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं. हाँ नहीं, ये 40-50 लोग चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं. यप, मेक सेंस डेफिनेटली. अरे आदि सेशन भाई, यही सब करना था तो पैसे लेके आए क्यों है? गुंडों से मरवा के अपने डॉक्यूमेंट्स लेके निकल जाता. मतलब जानते हो रजनीकांत से मिलने जा रहे हो तो ये रिस्क लेनी क्यों है? हद होती है लौटबंदी की. और ये लोग चेन्नई के ऐसे टॉप 10 गुंडे हैं कि शिवाजी को डायलॉग फिनिश करने का पूरा टाइम देंगे. और इतने अंधे हैं कि बंदा ऊपर जाता हुआ देख के भी नहीं रुकते, साले घुस गए दीवार में. एंड सिंस शिवाजी इज इन रजनीकांत मोड नाउ, तो फिजिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी सबकी थोड़ी थोड़ी लेते हुए इन सबको अकेले अजीब अजीब तरीके से मार के पैसे लेके चला जाएगा. भाई जिस तरह इसने ये 50-60 लोगों को 1.5 मिनट में पेला है ना बिना एक स्क्रैच लगे, मैं छोटे मोटे देशों को तो अकेले ऑक्यूपाई कर सकता है. कहाँ है पुटिन, मिलवाओ उसको रजनी से. देखा शुरू कर देना मामागिरी. एंड ब्रेस योरसेल्फ क्योंकि अब ये फिल्म थोड़ी और ज्यादा फिल्मी होने वाली है, क्योंकि अब शिवाजी फैंटेसी की दुनिया में जाने वाला है विद अ लॉट ऑफ ग्रीड, क्योंकि इसे अब चाहिए पैसा, ढेर सारा पैसा. तो ये सारे बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियन एक्सेट्रा के माली शेफ ड्राइवर रॉयटर्स को बुला के उनसे उनके मालिकों ने पैसा कहाँ कहाँ रखा है पूछेगा. एंड सिंस मैं पढ़ा लिखा, तो जिसने बात नहीं मानी उनको और बस इन्फॉर्मेशन निकाल के सबको ब्लैकमेल करके सबसे पैसे ऐंठेगा. फिर विदेश जाके उम्मीद से ज्यादा ट्रस्ट के साथ वो लोगों में पैसे बांट देगा और बोलेगा कि शिवाजी फाउंडेशन में एज अ डोनेशन डलवा देना. कितना आसान है ना ये सब, इतना इजी था ब्लैक मनी पकड़ना. अब डीमोनेटाइजेशन की माँ का घोसला, मैं तो कहाँ है मोदी है, कहाँ है कहाँ मोदी, किसी ने मूवी क्यों नहीं दिखाई मोदी जी को है. छोड़िए ना, कह दूंगी तो बुरा लगेगा. बड़े निवे तो ये इतना गंदा आदमी है कि सबसे पैसे खाने के बाद भी सबके ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स वालों को दे देता है. तो आदि हो जाता है गिरफ्तार. एंड सिंस शिवाजी फॉर्म में है तो पहुंचा मंत्री के ऑफिस, जहाँ पे ना मेटल डिटेक्टर है, ना ही कोई चेकिंग होती है, ना ही कोई सीसीटीवी लगे हैं, ना ही गार्ड्स हैं. साला इतनी लापरवाही है कि इस आदमी ने और बस फाउंडेशन का काम शुरू. भाई मैं जा रहा हूँ नगर निगम ऑफिस, भाड़ में गया कंटेंट, मिनिस्टर में चाकू मारूंगा, रातों रात अमीर हो जाऊंगा. भाई इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सार्कैज़म, मजाक कर रहा हूँ, कल को सच में पुलिस में भेज देना, ठीक है. खैर इसी बीच शिवाजी की हो जाती है शादी, क्योंकि अब उसने काफी पैसे कमा लिए हैं. तो शादी करके उसकी हंसी बदल चुकी है भाई. क्योंकि आज सुहागरात है, आज बड़ा खास दिन है, ये दिन तो हमें बहुत खुशी से मनाना चाहिए.
बोलो कैसे मनाएं? अरे टॉस कर लो, सीधा रास्ता या शेर का रास्ता, है ना? cool. तो रात भर स्टाइल और एक्शन देख के, रोहित शेट्टी को ओरिजिनल आइडिया दे के, विद्या भारती जाती है मंदिर, जहाँ पे सीबीआई वाले इसको आड़े में लेके बताते हैं, कितने सारे आतंकवादी मिनिस्टर, पैसे वाले लोग, उनका खात्मा करने के लिए बेताब है, जानती हैं आप? आतंकवादी मिनिस्टर, आई सी व्हाट यू डिड देयर, उसके साथ रहती है फिर भी कुछ नहीं जानती। अब एक घंटा जानेगी, बस स्टाइल और एक्शन पे ध्यान है इसका, अभी मस्त नाच गा के आ रहे हैं लोग। लेकिन सीबीआई का भी खौफ है बेटा, क्योंकि फिर ये लोग जाते हैं ड्राइव इन थिएटर में किंग कॉन्ग देखने। लेकिन क्या हुआ, तुम रो रही हो? भाई ये घर से मस्त तैयार होके आई और यहाँ आके ये सब कर रही है। वो तो ये लोग पैसे वाले हैं तो ठीक है, वरना मिडिल क्लास फैमिली होती ना तो इतने में लड़ाई हो जाती कि साली अब बता रही है जब टिकट ले लिया, टंकी फुल करा लिया, पागल। खैर दैट्स नॉट माय पॉइंट। तो शिवाजी अब उसे सब बता देगा कि कैसे और क्या लंबा हाथ मार के मोदी से अच्छा काम करके पैसा जमा किया है। और इसी बीच कुछ कार्स जो पता नहीं किसने भेजी है, लाइक सीबीआई वालों ने या आदि ने या फिर थिएटर वालों ने कोल्ड ड्रिंक्स ना लेने की वजह से, आई डोंट नो, बट ये कार फाइट में भी शिवाजी जीतेगा बिकॉज ही इज रजनीकांत ऑब्वियसली। लूट क्या बात कर रहे हो, कैसे सवाल कर रहे हो? वो अच्छे से बाकी सारी कार्स को उड़ाता हुआ खुद की कार से छलांग लगा के थिएटर की स्क्रीन तोड़ते हुए सेफली लैंड करके कूल बोल के निकल जाएगा। इजी है यार, असली एडवेंचर्स तो ये मियां बीवी कर रहे हैं। ये सीन लिखने वाले, अप्रूव करने वाले और डायरेक्ट करने वाले को शत शत नमन ब्रो, शत शत नमन। बट एनीवे, विद्या भारती को इतने में मजा नहीं आया तो वो जाके सब कुछ बता देगी सीबीआई को ओरली, एंड समहाउ लैपटॉप भी पहुंचा देगी सीबीआई के पास। और शिवाजी को पता ही नहीं है कि उसका लैपटॉप कहाँ पे है जिसमें इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये देश बदलेंगे, हाँ, ये देश बदलेंगे। सो आपने 40,000 करोड़ रुपए को ब्लैक से व्हाइट करके भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी की है, फिर एक्ट के तहत आपको अरेस्ट किया जाता है। बस फिर बस्टेड, बट होल्ड अप, वेट अ मिनट, ये नामुमकिन है सर। शिवाजी के वॉइस में बोले पासवर्ड से ही ये कंप्यूटर ओपन हो सकता है। भाई जब लैपटॉप ही ओपन नहीं हुआ, डेटा ही नहीं मिला, तो काहे का केस और काहे के 40,000 करोड़ ब्लैक मनी? बे उसकी बीवी ने उसका लैपटॉप दे दिया तो बस गिरफ्तार, कैसे चूते कर्मचारी हैं। बट शिवाजी को जेल में मिलता है फोन जिसमें होती है ये क्लिप जहाँ पे आदि शिवाजी को कस्टडी में मारने की बात कर रहा है। तो शिवाजी नोकिया N72 में वीडियो एडिटिंग करके वो क्लिप एंड देन अपनी क्लिप एडिट करके भेज देगा डॉक्टर को। तू अमेरिका में काम क्या करता है, कोई पूछता है तो मैं बता ही नहीं पाती। खैर तो यहाँ पे शिवाजी इज अंडर कस्टडी और वो लैपटॉप नहीं खोलेगा, तो अभी इसको पेलेंगे डंडे पे तेल लगा के। भाई उसे मारना है, उसकी नहीं। एंड सिंस कुछ पुलिस वालों को डंडे पे तेल लगा के इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे तो वो मारने से मना कर देते हैं, तो अब ये काम भी आदि को खुद करना पड़ेगा। लेकिन ये हो गया कुटाई से बेहोश। तो तेल की बढ़ती महंगाई को देख के नाउ ही वांट्स टू बी इलेक्ट्रोक्यूटेड। भाई कैसी चूतिया हरकतें हैं। सो एज पर हिज प्लान आदि उसे हाईवे पे फिर से मारेगा एक बार, लेकिन डॉक्टर विद विद्या भारती इज हियर जो शिवाजी को वैन से निकाल के शिवाजी जैसी एक बॉडी वैन में रख के यहाँ से कट लेंगे। तो नॉर्मली डॉक्टर साहब मरो को जिंदा कर देते हैं, बट टुडे दिस पुअर गाय इज हैविंग अ बैड डे। तो डॉक्टर साहब शिवाजी को शॉक देंगे, गाली देंगे, घूंसे मारेंगे एंड बूम, शिवाजी इज अलाइव। एंड अपेरेंटली ये इसका ही प्लान था, शॉक लगा के मर के यहाँ पे वापस जिंदा होके, यू नो द यूजुअल रजनीकांत स्टफ। तो अभी अमिताभ बच्चन एक शिवाजी का फ्रेंड बन के शिवाजी की वाइफ को पब्लिक और मीडिया के सामने फ्लाइंग किस देते हुए आएगा, सर पे तबला बजाएगा, खुलेआम धमकी देगा और सिग्नेचर मूव करके आदि को डराएगा और फिर वही बड़ी बड़ी बातें करेगा। एंड ये अपने मामा जी इतने एक्साइटेड हैं शिवाजी की मौत से कि डेथ सर्टिफिकेट हमेशा साथ लेके चलते हैं भाई। एंड ही हैज ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव हिमसेल्फ एज अमिताभ बच्चन, आई मीन लाइक लिटरली 2001 में हैंड रिटन पासपोर्ट बंद होने के बाद भी 2003 का इशूड हैंड रिटन पासपोर्ट है इसके पास, बकायदा ग्रीन कार्ड भी है अमेरिका का जहां पे ये रेसिडेंट बना 2010 में, लेकिन ग्रीन कार्ड इसके पास 2007 से ही था। देख रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग है भाई की, भाई फ्यूचर प्लानिंग है। तो टकले पे तबला बजा के ये पहुंचता है आदि के ऑफिस में जहां स्पेस कम है तो लड़ाई के लिए ये लोग छत पे जाएंगे। तो बदले की आग में अब ये पाइप पे तेल लगाता है और कुटाई शुरू। लेकिन आदि ने यहां रखा है अपना कैश जो इसने सीट के नाम पे बच्चों से ऐंठा था, तो इनकी चूतियागिरी में कैश उड़ना शुरू, मतलब गड्डियों पे छल्ला भी नहीं लगाया था भाई, बस ऐसे ही ऊपर के ऊपर रखते गए एंड डन। देख रहे हो लापरवाही का नतीजा, ऑलवेज लगाओ छल्ला ऑन योर गड्डी, ठीक है। तो पिट पिटा के आदि भागा नीचे, लेकिन इतनी भीड़ में हो गया स्टैम्पीड, जहां उसके कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी फीस वसूलने में इतने बिजी हैं कि इसकी बगल में से नोट उठा रहे हैं। लेकिन जख्मी देख के ना तो कोई रुक रहा है ना ही कोई पहचान रहा है इसको, और ये लोग डॉक्टर बनने वाले थे, बताओ कितनी खराब पढ़ाई, कितनी खराब व्यवस्था है इन लोगों की, देख रहे हो। तो इतनी खराब व्यवस्था, पढ़ाई और आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से ये लुढ़क गया और मूवी खत्म। बट होल्ड अप, इस मूवी में कुछ नहीं रखा था, ठीक है, लिटरली कुछ नहीं, क्योंकि सारा खेल तो पोस्ट क्रेडिट सीन्स में है। ध्यान से सुनना, मूवी किस बारे में थी, काला धन, और काले धन के होने की वजह से देश की तरक्की ना होने के बारे में। सो इस मूवी के टाइमलाइन के हिसाब से आदि को लुढ़काने के बाद पहले शिवाजी ने और काले धन वालों का स्तन पकड़ा,
वो देख के लोगों को काले धन की इम्पोर्टेंस समझ में आई। तो इम्पोर्टेंस समझने के बाद विद इन अ मंथ लोगों को 500 और 1000 के नोट्स को करवाना पड़ा कन्वर्ट इनटू 100 रुपए का नोट, और जिस जिसने नहीं कराया उसके 500 और 1000 के नोट हो गए नल एंड वॉइड। और देखते ही देखते अगले साल तक हो गया इंडिया का आधा काला धन जब्त, और अगली साल सरकार ने कर दिया मनी कार्ड कंपलसरी जो हर जगह और हर काम के लिए यूज होने लगा, एंड बूम 2015 में इंडिया बन गया सुपर पावर। मोदी जी अरे घना चोखा काट दिया रे भैया, बस अपने असली वाले काले धन का यूज नहीं हो पाया क्योंकि रजनीकांत सिर्फ ऑन स्क्रीन है ना। सैड लाइफ। And then again, don't forget to check out Go Mechanic because these guys have one of the best car services available along with a lot of offers. Link made in the description mein, yaad se check karna.